अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी हम किछोछा शरीफ की सरज़मीन पे है। यहाँ बारगाह मख्तूमी हज़रत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अली के आस्थान मुबारक पे हाज़िरी देने आया हूँ। मैं सोचा हूँ कि यहाँ पे जो घूमने की जगह है, जो कि उम्दा जगह है, उनमें घुमा जाए और आपको वीडियो के ज़रिए वो जगह दिखाई जाए। तो अभी फ़र्स्ट ये वीडियो किछोछा शरीफ की सरज़मीन में मैंने की है आपको दिखाने के लिए। इसके बाद और बहुत सारे ब्लॉग्स वीडियोस आएंगे। अभी हम एक मदरसे में आए हैं, एक मस्जिद में आए हैं। ये मस्जिद जो है हुजूर गाजी मिल्लत हज़रत सैयद हाशमी मियाँ साहब ने बनवाई है, और इसके बाजू में जो है एक बच्चों की तालीम के लिए एक मदरसा बनवाया है, जो कि इसमें छोटे छोटे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये मस्जिद, इस मस्जिद की एक ख़ास बात यह है कि इसमें जो गुंबद बना हुआ है, इसमें जो मीनारा बना हुआ है, ये बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही लंबा है। शायद के हिंदुस्तान में इससे ऊंचा गुंबद मैंने नहीं देखा, शायद आप भी नहीं देखेंगे। बहुत ही ऊंचा है, ये आप वीडियो के ज़रिए देख पा रहे हैं। ये बहुत ही ऊंचा गुंबद है और ये चौड़ा भी है। जब इसके ऊपर जाएँगे तो इसके ऊपर जाके पूरा किछोछा नज़र आएगा इंशाल्लाह। ये देखें, देखने में इतना खूबसूरत है, इसकी आप ज़ियारत करें। और इसके बाजू में, इसके पीछे जो है एक मदरसा भी है, जो कि बच्चे जिसमें तालीम हासिल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, उस मदरसे की ज़ियारत भी कराएंगे। आप जुड़े रहे हमसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और ये मस्जिद है, इसके बगल में एक मज़ार शरीफ है जो कि बहुत ही शानदार है, इसकी भी आप ज़ियारत करें। और ये मस्जिद का सहन है, काफ़ी जगह है इस तरफ, और ये सीढ़ी है जो कि मस्जिद के ऊपर हिस्से में जाते हैं, दूसरी मंजिल पे जाते हैं ये सीढ़ी से। उसके बाद उसके बाजू में जो है मदरसा है। अभी हम मदरसे की तरफ जा रहे हैं, आपको उसकी भी ज़ियारत करा रहे हैं। ये इसके पीछे मदरसा है, और ये बीच में जो आप देख पा रहे हैं तो ये ऑफिस है। इस पर जो है जो काम होते हैं, स्टाफ वगैरह या फिर मस्जिद के मदरसे के जो काम होते हैं, तो ये बीच में जो है ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग, तो ये ऑफिस है। इसमें जो है डिस्कस किए जाते हैं हर एक चीज़। और उसके बगल में मदरसा है, उसकी भी हम ज़ियारत आपको करा रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी जगह है, आप जब भी किछोछा शरीफ आए तो इन जगहों को देखना ना भूलें। इसके बाद जो है हमारी दूसरी वीडियो, ब्लॉग वीडियो जो है, ये यहाँ के एक बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी, बहुत ही मशहूर मदरसा, जो कि बाहरी नक्शे के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जिसका नाम जामिया सूफिया है, जिसको हुजूर सैयद जिलानी मियाँ ने तामीर करवाई, उसकी भी ज़ियारत कराएंगे दूसरी वीडियो के ज़रिए। ये आप देख पा रहे हैं ये गुंबद है, ये गुंबद के सबसे नीचा हिस्सा है, यहाँ से शुरू है और ये पूरा इतना लंबा गुंबद जो है बनाया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये आप देख पा रहे हैं बहुत ही लंबा गुंबद है। और इसके बाजू में जो बिल्डिंग है, ये जो है ऑफिस है, ये गुंबद के बाजू में, ये बीच में थोड़ी सी जगह जो है पड़ी हुई है। किछोछा शरीफ से कहीं भी आप देखें तो इस गुंबद के ऊपर से अगर चढ़ के देखें तो किछोछा शरीफ का हर एक हिस्सा नज़र आएगा इंशाल्लाह। और ये बीच में गली है, ये साइड में जो है ये इसके बाजू में मदरसा है, जिसमें बच्चे तालीम हासिल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसकी भी ज़ियारत करा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं, आप वीडियो पे जुड़े रहें। ये साइड में खानकाह बनी हुई है, इसके बाजू में एक और मदरसा है, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो उस पर ले आएंगे। यहाँ की जो भी मशहूर जगह है घूमने की या फिर देखने की, किछोछा शरीफ जब भी आप तशरीफ़ लाए, बारगाह मख्तूम में हाज़िरी देने आए, तो इन जगहों को देखना ना भूलें, इन मुक़दस जगहों पर जाना आप ना भूलें। इसके बाजू में जो है अभी हम मदरसे की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, ये देखें, ये मदरसा है इसके बगल में, जो कि बहुत ही शानदार है। इसमें बहुत ही बच्चे रहते हैं, हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। और ये जो है वर्कर्स हैं, जो कि खाना वाना बनाते हैं और मदरसे और मस्जिद का जो देखभाल करते हैं, तो ये आदमी है जो कि इसी में रहते हैं। और ये जो है नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये मस्जिद की दूसरी मंजिल है, जो कि बहुत ही शानदार है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है, इसकी भी आप ज़ियारत करें। ये मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा है दूसरी मंजिल का, उसके साइड में जो गुंबद है अभी हमने आपको दिखाया। ये मस्जिद अभी बंद है, इसीलिए हम अंदर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो आपको अंदरूनी हिस्सा भी आपको दिखाते। ये जो है सहन है मस्जिद की, जो है बरामदा है, इसको आप देखें। इससे भी ज़्यादा जगह जो है नीचे है, ये दो मंजिला मस्जिद है, जो कि बहुत ही शानदार है।
ये आप देखें, मस्जिद की पूरी ज़ियारत करें। बहुत ही शौक़ से ये मस्जिद बनाई गई है और इसमें जो है साल में एक प्रोग्राम होता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, नातिया मुशायरा। दुनिया के कोने कोने से मशहूर शुअरा तशरीफ़ लाते हैं, इसमें मुकर्रिनीन हज़रात भी तशरीफ़ लाते हैं। बहुत ही दिलचस्प नातिया मुशायरा होता है इस मस्जिद में साल में एक मरतबा रबीउल अव्वल के वक्त। ये मस्जिद का सहन है जो कि देखने बहुत ही खूबसूरत है और इसके बाजू में जो दरगाह शरीफ है, मज़ार शरीफ है, उसकी भी ज़ियारत करा रहे हैं आपको। ये मज़ार शरीफ बहुत ही उम्दा है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये इसके सामने जो है बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई खानकाहें हैं, साइड में मदरसा है, अशरफ़ सूफिया के नाम से बहुत ही मशहूर मदरसा इसमें भी है, उसकी भी ज़ियारत करा रहे हैं आपको। ये मस्जिद का ऊपरी हिस्सा है जो कि देखने बहुत ही दिलचस्प है। और अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मज़ार शरीफ है, ये देखें, ये साइड में मस्जिद से जुड़ा बिल्कुल जो है साइड में एक मज़ार शरीफ है। ये मज़ार शरीफ है जो कि हुजूर सैयद हाशमी मियां साहब के रिलेशनशिप में से किसी का ये मज़ार शरीफ है, मुझको तो तहकीक से पता नहीं है। और ये मज़ार शरीफ का सहन है, इसके आगे काफ़ी जगह है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं किछोचा शरीफ की सरजमीन पे हूँ अभी और किछोचा शरीफ की जितनी भी मशहूर जगह है आपको मैं वीडियो के ज़रिए दिखाता रहूँगा और आप देख के बहुत ही खुश होंगे। अभी जो हम जीना से उतर के फिर जा रहे हैं दूसरी जगह वीडियो के लिए और यहाँ की वीडियो बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और इन जगहों को देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।